आपने सुने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की बात। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर देशद्रोहियों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सेना के मनोबल को कमजोर करने वाला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा सेना का मनोबल तोड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी ने पूछा अफसपा में बदलाव करके किसकी मदद करना चाहती है कांग्रेस। आज निर्मला सीतारमण ने कहा अलगाववादियों के समर्थन में कांग्रेस का घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूछा देशद्रोह कानून हटाकर किसको बचाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस ने देशद्रोह कानून हटाने और अफसपा में बदलाव का वादा किया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा लोकसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आतंकियों को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा देशद्रोह कानून हटाकर कांग्रेस किसको बचाना चाहती है। अमित शाह ने भी कहा कि सेना की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। किसको बचाना चाहते हो, किसको बचाना चाहते हो? जेएनयू में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े हो 1000, वहां जाकर आप खड़े रह गए। उनको कहा कि वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उनको बचाना चाहते हो? ऊपर से मैं आरोप लगा रही हूं कि इससे आर्म फोर्सेस के मनोबल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किस एनवायरनमेंट में, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्म फोर्सेस काम कर रही है? इस बहाने, इस प्रॉमिस के द्वारा आप आर्म फोर्सेस को वीकन करने का काम ही कर रहे हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस चुनाव को भारत पाकिस्तान के बीच बताया। कांग्रेस ना नेताओं पाकिस्तानी भाषा बोली रहा छे, पाकिस्तानी फेवर करी रहा छे, खुल्लामा करी रहा छे। साम पित्रोड़ा नु निवेदन तो खूब शरमजनक छे। अने पाछा राहुल गांधी ना गुरु छे कि जे गुरु आ बात करता होय तो चेला शू करशे? पाकिस्तान साथे कांग्रेस ना शू संबंध छे? અને એટલા માટે પાકિસ્તાન ઈચ્છતું નથી, પાકિસ્તાન ઈચ્છે છે કે કોંગ્રેસ જીતે ભાજપ હારે। એટલે મેં કીધું છે આ ચૂંટણી હિન્દુસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની છે।